Hello everyone and welcome back to my channel. Today I have brought a very interesting video in front of you and it is based on homophones. Homophones जो कि बहुत ही confusing होते हैं. Now पहले जान लेते हैं कि होते क्या हैं ये homophones. अब देखिए spelling पे अगर ध्यान देंगे तो homo का मतलब होता है same, phones means sound, मतलब कि same sound. तो homophones are the words that sound the same but have different meanings and spellings. जो words similar sound करते हैं, सुनने में तो same लगते हैं, लेकिन उनका meaning भी different होता है और spellings भी different होती है. They are called homophones. जैसे कि the words two, two, two. ये सब तीनों के तीनों homophones हैं. ये different words हैं, जिनकी sound तो same है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग है और स्पेलिंग भी अलग है. तो ये है कंफ्यूजिंग होमोफोन्स. इसमें मैंने 10 डिफरेंट कंफ्यूजिंग होमोफोन्स लिए हैं और सबके साथ ट्रिक्स भी बताई है कैसे आप उसको हमेशा के लिए याद करके रख सकते हैं, कभी भी आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होंगी. तो प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक देखना और उसकी ट्रिक्स को समझना एंड एंजॉय एंड ऑलवेज लर्न. नाउ हैव अ लुक एट दिस वर्कशीट. 5 points are given and 5 homophones are given. Now which particular word will fit in which blank, that you have to see. If this seems confusing to you, then you are at the right place, because this video will be helping you and providing you beautiful tricks. If you master these tricks, you will never repeat those mistakes and you will never be confused. I have taken 10 most confusing homophones in this video. You will see that these are very simple yet very confusing homophones. Okay, and it is provided along with their usage and beautiful tricks. If you master these tricks, you are not going to repeat the mistake again. So let's begin with the first one, difference between lose and lose. So you can see the pronunciation is same, but dono ke usage mein kafi difference hai. L-O-O-S-E, loose, it is an adjective that means baggy, मतलब कि ढीला, hanging, unhooked, disconnected और free. ये सारे के सारे उसके synonyms हैं, जैसे कि हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं. ठीक है, sentence में समझते हैं. Although the shoe was my size, it was very loose. Shoe बहुत ढीला था जबकि वो मेरे size का ही था. You are not connected to the internet because there is a loose connection. ओके, कनेक्शन लूज होना. सो ये एल डबल ओ जो होता है वो यूज होता है एक एडजेक्टिव की तरह और उसका मतलब होता है ढीला. और जो एल ओ एस ई है लूज, वो एक वर्ब है. वर्ब आपको पता है ना, जैसे कि डूइंग, मतलब क्रिया हिंदी में कहते हैं. तो ड्रॉप, फेल, फॉरगेट, गिव अप, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं. लूज कई तरीके से यूज हो सकता है. अब कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. माय डॉक्टर सेड माय हेल्थ विल इंप्रूव इफ आई लूज वेट. अगर मैं वेट कम करता हूं तो मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी. इफ आई डोंट रन फास्टर आई विल लूज द रेस, रेस हार जाऊंगा. आई थिंक इट्स बेस्ट टू एंड अ कन्वर्सेशन बिकॉज बिफोर आई लूज माय टेंपर. जैसे मैं आपा खो दूं, गुस्से में आ जाऊं, इससे पहले अच्छा होगा कि हम अपनी बातचीत बंद कर देंगे. तो लूज और लूज में यही एक डिफरेंस है. और अच्छे तरीके अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा. एल ओ एस ई लूज, इसका पास्ट टेंस होता है लॉस्ट. जैसे कि शी लॉस्ट हर फोन, ओके, और ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द कार एक्सीडेंट. तो इस तरीके से भी पास्ट टेंस की फॉर्म में ये लूज लॉस्ट बन जाता है और हम उसको यूज कर सकते हैं. एल डब्ल्यू एस ई, जैसे आपने अभी जाना है कि ये ढीला, उसकी तरह एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. अब ट्रिक क्या है याद करने की, आप पढ़िए इसको. If you lose one O of lose, you have spelled the opposite of find. अगर आप L O S E से एक O को हटा देते हैं तो वो opposite बन जाता है find. Find मतलब ढूंढ लेना, lose मतलब खो देना. एक और example है, lose would be a longer looped. Looped मतलब फंदा. फंदा और long कैसे हो सकता है जब उसमें काफी सारे O या कई छोटे छोटे फंदे जुड़े हुए हों. तो ये आप एक ट्रिक याद करिए, माइंड में रखिए, इससे आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना. तो लूज वुड बी अ लॉन्गर लूप्ड रोप देन लूज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा ओ.
एक्स्ट्रा लूप्स है उसमें, तो लूज लॉन्गर रोप होगी. वी कैन से लूज इज लूजर देन लूज. बस ये वाला एक ट्रिक याद कीजिए, आप कभी इसको रिपीट नहीं करोगे अगर मिस्टेक करते हो तो. नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल. अब ये तो खैर क्लास टेंथ के बच्चे 11, 12 में पहुंच जाए, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बचपन से. तो क्या एक डिफरेंस है, पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं. अगर इसमें पी एल ई आता है तो उसका मतलब होता है अ बेसिक आइडिया और रूल और बिलीफ प्रिंसिपल. लेकिन अगर पी ए एल होता है तो उसका मतलब होता है मेन या इम्पोर्टेंट पर्सन और द हेड ऑफ अ स्कूल. सिर्फ एक ही इसका मीनिंग नहीं है, इसके भी कई सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे आपको पिछली बार भी बताया था. अब क्या है अगर ए एल आता है लास्ट में, प्रिंसिपल ए एल, इट कैन बी ईदर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और अ नाउन. अब आप सिनोनिम्स देख लीजिए, डोमिनेंट, की, लीडिंग, मेन, पैरामाउंट, प्राइमरी, प्रोमिनेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, बॉस, चीफ, डायरेक्टर, सीईओ, कैपिटल, सम. जैसे कि हम प्रिंसिपल अमाउंट जमा करते हैं ना बैंक में, उसकी भी यही स्पेलिंग होती है, प्रिंसिपल. कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. सेंटेंस में यूजेज देख लीजिए, द प्रिंसिपल एट माई स्कूल इज वेरी काइंड. अब ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है प्रिंसिपल, उनके लिए एक सेंटेंस बनाया है. सेकेंड है द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मस्ट बोथ बी पेड. अब ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, दोनों ही आपको पे करने हैं. अब यहाँ पे आप गलती मत कीजिए, ये याद रखिए कि एडजेक्टिव या नाउन दोनों में से इधर वेज में ये यूज हो सकता है. नाउ पी एल ई, ये यूज होता है एज अ नाउन, इट इज अ नाउन. वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल पी एल ई? अ रूल और ट्रूथ अबाउट वॉट इज राइट और How you should behave. It could also mean like synonyms जो हर जगह आपको बताया जा रहा है, इसका मतलब है basis, doctrine, foundation, fundamental, proposition, truth. Okay? So इसको sentence में हम पढ़ के सीखते हैं. My father was a man of principles. सिद्धांतों के आदमी थे. All of us have our own moral principles. हम सबकी अपनी values होती हैं, अपने principles होते हैं. अब आप देखिए, याद करने की बहुत ही अच्छी trick. One popular mnemonic device to remember this difference is isolation of Pal from principal. अब Pal क्या होता है? Friend. अगर हम इसको separate कर दें principal से, तो हमको पता लग जाएगा कि कौन सी spelling कहाँ पे लिखनी है. और वैसे भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, the principal of your school is your pal, ideally. तो जो principal है हमारे school के, वो हमारी बातें सुनते हैं, हमारी मुश्किलों को दूर करते हैं, है ना? तो हम क्या बोलेंगे, तो principal of our school is our pal, मतलब वो हमारे friend है. इस तरीके से आप याद रखना कि जो principal है, head of the institution है, उसमें P A L use होता है. और उसके अलावा जो दूसरा होता है P L E वाला, जो सिद्धांत, values और ये ट्रूथ, इसके लिए यूज होता है, वो है पी एल ई. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. अब हम दूसरा देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ आई और ई कौन सा कहाँ यूज होता है, मीनिंग क्या होता है, उसे समझते हैं. जिसमें आई आता है, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ब, ये वर्ब की तरह यूज होता है. कॉम्प्लीमेंट मतलब कि किसी को प्रेज करना, तारीफ करना. अ रिमार्क दैट एक्सप्रेसेस अप्रूवल, एडमिरेशन और रिस्पेक्ट. इसके सिनोनिम्स है प्रेज, अप्रूवल, फ्लैटर, अप्रूव, एडमायर. ठीक है, तो हम इसको सेंटेंस में देखते हैं. शावर हर विद कॉम्प्लीमेंट्स इफ यू वॉन्ट थिंग्स टू वर्क इन योर फेवर. उसको कॉम्प्लीमेंट्स दो, उसकी तारीफ करो अगर आपको कोई काम करवाना है. माई कॉम्प्लीमेंट्स टू योर मॉम, शी हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब रेजिंग यू. अपनी मॉम को मेरे कॉम्प्लीमेंट्स दो, क्योंकि उन्हें उन्होंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से रेज किया है. तो कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रेज, उसमें आई आता है. अब दूसरा जो है कॉम्प्लीमेंट ई वाला, इट इज अ नाउन. इसका मीनिंग क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का? टू मेक समथिंग एल्स सीम बेटर और मोर अट्रैक्टिव व्हेन कंबाइनिंग विद इट. सिनोनिम्स देख लीजिए और इसके अलग मीनिंग्स जो है, एड और सप्लीमेंट, बैलेंस, कंप्लीट, accompaniment, enhance, improve, boost, ये सब है कॉम्प्लीमेंट के मीनिंग, जो कि
नाउन की तरह यूज होता है और उसमें ई आता है. सेंटेंस देख लीजिए. आई होप टू फाइंड अ ड्रेस दैट कॉम्प्लीमेंट्स माई आई कलर, मतलब कि मेरे आई कलर के साथ मैच हो जाए वैसी मुझे ड्रेस चाहिए. देयर विल बी अ रिटन टेस्ट टू कॉम्प्लीमेंट दी स्पोकन टेस्ट. स्पोकन टेस्ट के साथ साथ हम आपका रिटन टेस्ट भी लेंगे. तो इस तरीके से यूज होता है. अब इसकी ट्रिक भी सीखते हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग तो है ना. अब याद कैसे रखें इसको, आई लगाना है कि ई लगाना है और कब लगाना है. डोंट वरी, अभी ट्रिक सीखते हैं. ट्रिक इसकी है कॉम्प्लीमेंट में कंप्लीट वर्ड के साथ उसको रिलेट कर दो तो आपको हमेशा याद रहेगा. इफ वन थिंग कॉम्प्लीमेंट्स ई वाला एनादर, इफ वन थिंग कॉम्प्लीमेंट्स एनादर इट कंप्लीट्स दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल द शूज कंप्लीट योर आउटफिट और मेक इट परफेक्ट. जैसे कि यहाँ एक पिक्चर में एग्जाम्पल है, वाओ आई लव योर न्यू शूज. ये तो खैर कॉम्प्लीमेंट दे रही है ना, कि प्रेज कर रही है आई वाला लगा के कि वाओ तुम्हारे शूज बहुत अच्छे हैं. और ये कह रही है दूसरी, दीज शूज फिनिश ऑफ माई आउटफिट, मतलब कि मेरे शूज मेरे आउटफिट के साथ मैच कर रहे हैं तो कंप्लीट लुक दे रहे हैं. जहां कंप्लीट लुक हो रहा है या कंप्लीट वर्ड से आप रिलेट करोगे वो होता है कॉम्प्लीमेंट. ई के साथ यूज करता है क्योंकि कंप्लीट की स्पेलिंग भी ई आता है उसमें. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में ई आता है. और जो आई वाला है स्पेल्ड विद एन आई, अ कॉम्प्लीमेंट इज अ फ्लैटरिंग रिमार्क और प्रेज. क्योंकि हम जब आंखों से देखते हैं तो ही तो प्रेज करते हैं ना किसी की. इस तरीके से याद रखिए, ई वाई ई आई, उसको आई भी लिख सकते हैं ना, ई वाई ई आई और आई. सो यू हैव लवली आईज, जैसे कि मैं किसी की आईज की तारीफ करती हूँ तो मैं कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ क्योंकि मैंने उसको आंखों से देखा है और फिर उसको प्रेज किया है. तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट और कॉम्प्लीमेंट प्रेज. आई वाला जो कॉम्प्लीमेंट है वो प्रेज है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन देयर देयर एंड देयर. अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये भी काफी मिस्टेक्स होती है इनमें, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाएगा तो फिर रिपीट नहीं होगी कभी मिस्टेक. लेट्स अंडरस्टैंड हियर देयर. अब जैसे ई में आप देख रहे हैं ना कि यहाँ डायरेक्शन की तरह पॉइंट किया हुआ है. इट रेफर्स टू अ प्लेस, ही वेंट इन द डोर ओवर देयर. ओवर देयर मतलब उस डायरेक्शन में गया वो. अब है टी एच ई आई आर, इट शोज ओनरशिप पोजेशन. ये पोजेशन शो करता है. ठीक है, तो इसमें लिखा है देयर कैट इज द स्वीटेस्ट. सो उनकी कैट, टी एच ई आई आर, उनकी कैट बहुत ही स्वीट है. तो ये है एक टी एच ई आई आर. और अब लास्ट वाला जो है टी एच ई अपोस्ट्रोफी और आर ई, ये एक कॉन्ट्रैक्शन है. कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हम किसी की शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं और उस वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, छोटा बना देते हैं. तो अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर दे आर, तो इसमें ए हटा दिया, अपोस्ट्रोफी यूज किया, जो यहाँ ऊपर कॉमा आता है ना उसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं. तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी क्यों यूज किया है, कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए. इसका मतलब है दे आर गोइंग टू दी मूवीज. सो जैसे स्पोकन इंग्लिश होती है उसमें हम काफी कॉन्ट्रैक्शंस यूज करके बोलते हैं. सो इट साउंड्स वेरी गुड, है ना. तो जैसे आप बोलोगे दे आर गोइंग देयर, अगर आप इसके बदले बोलते हैं दे आर गोइंग देयर, सो सेकेंड वाला सेंटेंस जो है वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है. तो हम इंग्लिश में वाइल स्पीकिंग इंग्लिश वी यूज लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो आप ये याद रखिए देयर, टी एच ई आर ई, ये एक एडवर्ब है, इट रेफर्स टू द प्लेस. ई आई आर, इट शोज ओनरशिप, समथिंग बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल्स. और दे अपोस्ट्रोफी आर ई, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन. अगर इसको अपोस्ट्रोफी हटा देंगे और खोल के लिखेंगे तो वो बनेगा दे ए आर ई आर. अब यहां से भी एक बार डिटेल्ड में आप समझ लीजिए कि क्या है. जैसे आपको बताया था टी एच ई आर ई इज यूज एज एन एडजेक्टिव, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी, अ नाउन. अगर हम इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो गेट अवे फ्रॉम देयर, और अगर एडवर्ब की तरह स्टॉप राइट देयर. ओके, सो ज्यादातर हम टी एच ई आर ई वाली स्पेलिंग यूज करते हैं. जहां भी हम ई आई आर यूज कर देंगे तो इसका मतलब पोजेशन. अब जैसे ये सेंटेंस आप ई आर ई वाले देख लीजिए, देयर यू गो, देयर इज वेयर वी डिसएग्री, फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू. अब टी एच ई आई आर इज द पोजेसिव प्रोनाउन, एज देयर कार इज रेड. सो देयर इज अ पोजेसिव फॉर्म ऑफ दे.
दे का ही पोजेसिव फॉर्म बन गया है देयर. सो इट हैज टू डू विद व्हाट बिलोंग्स टू और रिलेट्स टू और इज मेड और डन बाय सर्टेन पीपल एनिमल्स और थिंग्स. जैसे कि सेंटेंसेस देख लीजिए, इट्स देयर हाउस. अब देख लीजिए यहाँ पे भी एक कॉन्ट्रैक्शन यूज किया है इट्स. अगर हम ये अपोस्ट्रोफी हटा दें तो ये बन जाएगा इट इज देयर हाउस. लेकिन हम इसको कॉन्ट्रैक्शन के यूज करके बोल रहे हैं कि इट्स देयर हाउस. वी आर देयर नेबर्स. द ट्रीज आर लूजिंग देयर लीव्स. सो देयर 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 ई आई आर वाला जो है वो क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेशन शो करता है, बिलोंगिंग टू समथिंग. और अब रह गया टी एच ई वाई अपोस्ट्रोफी आर ई. तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्शन है ना, कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट करके बनाया गया, छोटा करके बनाया गया है, अपोस्ट्रोफी लगा दिया है और कुछ लेटर्स जो है वो स्किप करके बना देते हैं इसको. यू कैन रिमेंबर दैट अपोस्ट्रोफी. अब एक और चीज, अपोस्ट्रोफी के रूल्स जो होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अपोस्ट्रोफीज जनरली इंडिकेट पोजेसिव ओनली व्हेन यूज्ड ऑफ एस. अगर हम अपोस्ट्रोफी और एस यूज करते हैं तो तब तो वो पोजेशन शो करता है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. ठीक है, कैसे, देखो कांट, तो ये तो पोजेशन शो नहीं कर रहा चाहे हमने अपोस्ट्रोफी लगाया है, क्योंकि ये है विदाउट द एस. इसमें हमने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया, इसमें क्या है, अपोस्ट्रोफी टी. तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है. अब कैसे, कैन नॉट, तो एन और ओ को हटा दिया है और बन गया है कांट. वोंट, विल नॉट, और ओमिशन ऑफ अ लेटर और लेटर्स एज इन सिंगिंग. यहाँ एक और तरीके से अपोस्ट्रोफी कैसे हम यूज कर सकते हैं, ऑमिट कर देंगे, लेटर आएगा ही नहीं लास्ट में. जैसे जी यहाँ पे नहीं यूज किया है और यहाँ पे इनिशियल वाला टी एच यूज नहीं किया है, तो ये बन गया है देम. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या समझा है कि अगर अपोस्ट्रोफी बिना एस के आता है तो हम उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. तो ये जो देयर है उसको बोलेंगे दे आर. दे आर फनी पीपल, दे आर द क्यूटेस्ट पपीज एवर. तो ये डिफरेंस होता है इन तीनों में. ठीक है, एक और तरीके से ट्रिक क्या है, जैसे आप याद कर सकते हैं हमेशा के लिए, देयर इज मोस्ट कॉमन, टी एच ई आर ई सबसे कॉमनली यूज होता है, उसमें कौन सा वर्ड होता है, एच ई आर ई हियर. जैसे आप ये फोटो में भी देख रहे हैं ना, टी प्लस एच ई आर ई हियर, जो कि लोकेशन पॉइंट आउट करता है, विच इज हेल्पफुल बिकॉज इट इज अबाउट लोकेशन. अब टी एच ई आई आर जो होता है, देखो समवन, आई बिलोंग्स टू समवन, बिलोंगिंग टू समवन, शोइंग पोजेशन, तो उसमें आई आता है. और जो लास्ट वाला है वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिसका मीनिंग है दे आर. तो ये आप ट्रिक हमेशा ध्यान में रखिए तो गलती कभी नहीं होगी. नेक्स्ट, ये भी बहुत कॉमन है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. इसमें क्या डिफरेंस है, मीनिंग क्या होता है, क्या इसकी यूसेज है, वो समझते हैं. एक्सेप्ट, ए सी सी ई पी टी, ओके. एक्सेप्ट इज अ वर्ब, वर्ब क्रिया, ओके. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, विच मीन्स टू रिसीव समथिंग विलिंगली. मतलब हम, हमारी इच्छा है इसलिए हम उसको रिसीव कर रहे हैं. एज वी एक्सेप्टेड द गिफ्ट, और दे वर एक्सेप्टेड इन टू द क्लास, तो इसका मीनिंग क्या है, रिसीव समथिंग विलिंगली, और ये एक वर्ब है. हिज पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन टू मूव आउट ऑफ द हाउस. तो ये तो आप याद रखिए कि वर्ब की तरह यूज होता है. अब दूसरा है एक्सेप्ट. मोस्ट ऑफन इट इज यूज एज अ प्रेपोजिशन, जो कि पोजिशन बताता है चीजों की, विच मीन्स नॉट इंक्लूडिंग, जो इंक्लूड नहीं है, है ना. एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा. अ सिनोनिम ऑफ बट, ऑल एक्सेप्ट वन, एक के अलावा बाकी सब. इट इज ऑल्सो कॉमनली यूज एज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्रेपोजिशन की तरह भी यूज कर सकते हैं. ही डज नथिंग एक्सेप्ट कंप्लेनिंग, ठीक है. कंजंक्शन मतलब कि वो कुछ नहीं करता, बस कंप्लेन करता रहता है. तो प्रेपोजिशन की तरह यूज कर लो चाहे कंजंक्शन की तरह यूज कर लो, लेकिन आप स्पेलिंग ये लिखेंगे ई एक्स सी ई पी टी, ठीक है. वी आर ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडेज, संडेज के अलावा हम रोज हमारी शॉप या स्कूल या कुछ है तो वो ओपन रहता है, मॉल वगैरह, ठीक है. तो इस तरीके से आप यूज करेंगे. डबल सी,
A-C-C-E-P-T तो हो गया वर्ब और E-X-C-E-P-T हो गया प्रेपोजिशन की तरह यूज या तो फिर कंजंक्शन की तरह, और ये इसमें डिफरेंस है, लेकिन एक ट्रिक अगर जान लेंगे तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब वो क्या है, देखिए पिक्चर में भी जैसे आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट A-C-C-E-P-T इज अ वर्ब, इट इज यूज एज वर्ब, एंड E-X-C-E-P-T कैन बी यूज एज प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और वर्ब। ये आप सेंटेंसेस पढ़िए, शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, ही एक्सेप्ट दैट ही इजंट ऑलवेज राइट, कैन यू एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, ओके क्या आप मेरी अपोलॉजी स्वीकार कर सकते हैं। अब यहाँ पे एवरीवन एक्सेप्ट सैम इज कमिंग टू द पार्टी, आई वुड हैव गॉन टू स्कूल टुडे एक्सेप्ट दैट आई वाजंट फीलिंग वेल। तो चलो ट्रिक जानते हैं, दीज वर्ड्स कैन बी कंफ्यूजिंग बिकॉज दे साउंड अलाइक, ऑफकोर्स होमोफोन्स हैं तो वो सेम साउंड तो करेंगे ही, बट रिमेंबर कि जिसमें ई एक्स आता है, एक्स का मतलब क्या होता है, पुराना है ना, जो छोड़ दिया गया हो, तो एक्स इज यूज विद द मीनिंग दैट एक्सक्लूड थिंग्स। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि एक्सेप्ट अगर ई एक्स वाला है तो उसका मतलब है दैट एक्सक्लूड थिंग, इसके अलावा, और जो ए डबल सी वाला है वो है स्वीकार करना, और जिसको हमने ई एक्स पहले से ही हमने उसको एक्स बना दिया, पुराना बना दिया, इसका मतलब अलावा, इसके अलावा। ये वाले ट्रिक याद कीजिए और इन दोनों में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं डिफरेंस वेदर और वेदर के बीच में, WEATHER एंड WHETHER। अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, इसमें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाती रहती हूँ, और साथ ही प्लीज लाइक करना ना भूलें अगर आपको पसंद आता है। So let's move on. On one hand, the word weather is a noun. ठीक है, WEA जिसमें आता है weather, it is a noun. और क्या weather का मतलब है, मौसम. When weather refers to atmospheric conditions like temperature, pressure, wind and rain, it can also be a verb. अब देखो, एक तो हम noun की तरह use कर रहे हैं और एक हम इसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, कैसे, जैसे वेदरिंग अ स्टॉर्म। नाउ क्लास 9th में एक चैप्टर है ना, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, ये वेदरिंग द स्टॉर्म इसका मतलब है सामना करना किसी मुसीबत का, ओके दैट मींस टू एंड्योर और सर्वाइव चैलेंजिंग एक्सपीरियंस, चैलेंजिंग एक्सपीरियंस को उसका सामना करना मुसीबतों का। व्हाट्स मोर, इट कैन ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव दैट मींस टू इरोड और वियर अवे। अब देखो एक ही स्पेलिंग है वेदर, लेकिन इसकी यूसेज किस तरीके से हो सकती है, नाउन की तरह मतलब मौसम, दूसरा है कि वेदरिंग अ स्टॉर्म मतलब मुसीबतों का सामना करना, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं कि मींस टू इरोड मतलब कि वियर एंड टियर करके खराब हो जाना, जैसे वियर अवे द ओल्ड कोट लुक्ड वेदर्ड मतलब कि फटा वॉर्न आउट लग रहा था। तो इस तरीके से एक ही वर्ड को हम तीन तरीके से डिफरेंट मीनिंग्स के साथ यूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्या होता है, WHETHER, ये तो एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन मतलब कि जो दो वाक्यों को, दो सेंटेंसेस को जुड़ाता है, एंड बिकॉज देयरफॉर ओके इस टाइप की जो, और अदरवाइज, ये जो कंजंक्शंस होते हैं, वेदर भी एक कंजंक्शन है, इट रेफर्स टू चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज, डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस यू कैन सब्स्टिट्यूट वेदर विद इफ। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं ना क्लास 10th में, तो अगर इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं तो वेदर भी लिख सकते हैं, इफ भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग नो मैटर व्हाट ये होता है। अब हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं ये समझते हैं, जो कि है WHETHER, इसमें है दो एच, ठीक है, काउंट द एच। फॉर एग्जाम्पल वेदर रेफर्स टू वेइंग चॉइसिस और पॉसिबिलिटीज, सो एसोसिएट द टू एच्स इन वेदर विद टू पॉसिबिलिटीज, मतलब अगर दो एच आ रहे हैं इसका मतलब हमको बताना है ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, ओके पॉसिबिलिटीज है ना, जब दो चीजें एक जैसी आ गई तो ये लू मैं कि ये लू, यहां जाऊं कि यहां जाऊं, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, फिर अगर दो एच आ रहे हैं दैट मीन्स इट इज कंजंक्शन, ये कंजंक्शन वाला वेदर है, ठीक है, और जिसमें कि पॉसिबिलिटीज दो होती हैं। लेकिन इसके ही ऑपोजिट अगर उसमें एक ही एच है, क्योंकि
एक टाइम पे एक ही एटमोस्फेरिक कंडीशन हो सकती है ना. सो देयर इज यूजुअली ओनली वन एटमोस्फेरिक कंडीशन एट अ टाइम. सो एसोसिएट वन एज इन वेदर विद वन कंडीशन. तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के साथ आप दोनों में डिफरेंस को याद रख सकते हैं हमेशा और फिर मिस्टेक नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टेयर एंड स्टेयर. STARE, STAIR. पहले इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं और यूसेज समझते हैं. STARE, stare, ये एक वर्ब है और इसका मतलब हिंदी में होता है घूरना, एक टक के देखते रहना, घूरना. सो द वर्ब स्टेयर मीन्स टू लुक इन अ फिक्स्ड मैनर एट समवन और समथिंग विदाउट ब्लिंकिंग. सेंटेंस में देखिए, द स्ट्रेंजर स्टेयर्ड एट मी. स्ट्रेंजर मुझे घूर के देख रहा था एंड आई सडनली फेल्ट नर्वस एंड एंग्शियस. डोंट स्टेयर एट पीपल लाइक दैट, इट्स रूड. मतलब लोगों को मत देखो ऐसे घूर के, अच्छा नहीं लगता है. अब दूसरा वाला जो है STAIR, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है सीढ़ी या सीढ़ियां. अगर स्टेयर्स हो जाएगा तो सीढ़ियां. इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ स्टेयर्स विच मीन्स अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट लीड फ्रॉम वन लेवल ऑफ अ बिल्डिंग टू अनदर. ऑफन टाइम्स कई बार क्या होता है, द टर्म इज सीन इन प्लूरल फॉर्म स्टेयर्स. ज्यादातर तो हम स्टेयर्स ही बोलते हैं ना. अ सेट ऑफ स्टेयर्स इज ऑफन रेफर टू एज अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर. देखो साथ साथ ही जो कुछ न्यू भी आपको सीखने को मिल रहा है ना, तो वो भी मैं साथ में बता रही हूँ. जैसे पिछली स्लाइड्स में, पिछली बारी में मैंने आपको यहाँ बताया था यूजेज ऑफ अपोस्ट्रोफी, है ना. अब यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन कि अगर स्टेयर्स के साथ कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. जब सीढ़ियां एक ही साथ चढ़ते जाते हैं और फिर एक लेवल आता है, फिर से फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स आती है ना, वो लैंडिंग बोलते हैं उसको. फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, लैंडिंग, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. तो सेंटेंस में समझते हैं, रोहन फेल डाउन सम स्टेयर्स एंड ब्रोक हिज रिस्ट. सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसकी कलाई टूट गई या हाँ, ही ब्रोक हिज रिस्ट. विच डू यू प्रेफर, द स्टेयर्स और द एलिवेटर? क्या आपको जाना पसंद है, स्टेयर से जाना पसंद है या फिर एलिवेटर यूज करना पसंद है? तो ये देख लीजिए, अभी इसका ट्रिक सीखते हैं ताकि थोड़ा सा मिस्टेक कम हो. ट्रिक क्या है, देखो अगर आप स्टेयर्स चढ़ोगे तो उसमें AIR आता है ना, यू नीड टू ब्रीद मोर. या तो आप थक जाओगे तो एयर ब्रीद करना पड़ेगा ज्यादा, है ना. तो ये देख लीजिए, स्टेयर और एयर को कनेक्ट कर लो तो पता लग जाएगा कि STAIR का मीनिंग होता है सीढ़ी, है ना, सीढ़ी में चढ़ना और ज्यादा उसमें सांस फूलती है. लेकिन अगर हम ये वाला स्टेयर यूज करें STARE, अगर हम किसी को घूरते रहे तो वो हमसे क्या पूछने वाला है कि why are you staring at me? R की यूसेज आप इस तरीके से उसको कनेक्ट कर लो किसी के साथ. वैसे भी क्या होता है, जब जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन होती है तो उसमें अगर हम उसको सिंपल चीजों से कनेक्ट कर लें तो हम उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक वी कैन रिमेंबर द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ड एट द करेक्ट प्लेस. आई होप क्लैरिफिकेशन तो आपको मिल गई होगी इन दोनों के बीच में. नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत मिस्टेक करते हैं, बोलते हुए भी लिखते हुए भी स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं. डिफरेंस बिटवीन क्वाइट एंड क्वाइट. अब वो कहते क्या है, दोनों को ही क्वाइट क्वाइट कह देते हैं. अदरवाइज स्पेलिंग ये जो सेकंड वाली है उसको क्वाइट बोला जाता है, ठीक है. चलो इसकी यूजेज पहले समझते हैं. क्वाइट मीन्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट और डिग्री, कई हद तक या कंप्लीटली या एंटायरली. When it is used as an adverb, जैसे कि he is quite nervous, he is quite happy. तो ये तो quite मतलब completely, entirely or to a certain extent. अब quiet क्या होता है? Quiet मतलब चुप रहो. With little or no sound when it is used as an adjective. जैसे कि example, let me have a quiet word. मेरे को तुम्हारे साथ अकेले अलग से बात करनी है. He is a quiet boy. ये एक शांत बच्चा है, ठीक है. तो quiet तो हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं और quiet क्वाइट को क्या यूज करते हैं, एडवर्ब की तरह, ठीक है. तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिए. इट्स क्वाइट हॉट आउटसाइड, इट वाज वेरी क्वाइट इन द ऑफिस. ओके, क्वाइट. ट्रिक क्या है अब, जिससे कि मिस्टेक ना हो स्पेलिंग मिस्टेक एग्जाम्स में, वो ये है. A good way to remember the difference is to focus on the pronunciation. आप pronunciation पे अगर focus करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक है quite, एक है quiet. ET is pronounced as quiet. We pronounce
क्वाइट विद द फाइनल ई टी मेड क्लियर, एम्फेसिस हमको ई टी पे देना होता है. लेकिन जो क्वाइट है उसका फाइनल ई साइलेंट है, क्यू यू आई टी, क्वाइट. इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे. वैसे तो क्विट होता है ना, क्यू यू आई टी, लेकिन ई के साथ है तो हम इसको बोलेंगे क्वाइट. सो यही एक ट्रिक है कि आप प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो क्वाइट और क्वाइट की, तो आपको पता लग जाएगा कहाँ पे आपको कौन सी स्पेलिंग का यूज करना है और मिस्टेक्स नहीं होगी. अब दूसरा है डिफरेंस बिटवीन ब्रेक, बी आर ई ए के एंड बी आर ए के ई. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले मीनिंग जान लेंगे, यूसेज जान लेंगे और तब ट्रिक के बारे में समझेंगे. बी आर ई ए के, ब्रेक मीन्स टू टियर समथिंग इनटू पीसेस ईदर बाय अ हिट और ड्रॉप. मतलब कि टुकड़े टुकड़े कर देना या फाड़ देना या कुछ ड्रॉप कर देना. अब सेंटेंस देख लिए, डू नॉट प्ले विद माई मोबाइल, यू विल ब्रेक इट. आप तोड़ दोगे मेरे मोबाइल को अगर आप उसके साथ खेलोगे. लेकिन अगर हम ब्रेक ए के ई को लेते हैं, इट इज नथिंग बट ओनली अ डिवाइस दैट इज यूज फॉर स्लोइंग डाउन द स्पीडिंग व्हीकल. ओके, ब्रेक जब लगाते हैं कार में, बस में, बस इसका मीनिंग वही होता है, बी आर ए के ई. नाउ एग्जाम्पल्स देख लीजिए. द ड्राइवर डिडंट अप्लाई ब्रेक्स एट द जीब्रा क्रॉसिंग एंड ब्रोक द ट्रैफिक रूल्स. कि उसने ब्रेक नहीं लगाई जीब्रा क्रॉसिंग पे और ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर दिए. तो ये है ब्रेक, जो कि अ डिवाइस फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल. और दूसरा है ब्रेक, बी आर ई ए के, इसका मतलब होता है या तो तोड़ देना या तो फिर टेकिंग अ ब्रेक, मतलब रेस्ट लेना. अब इसको समझेंगे हम एग्जाम्पल्स और ट्रिक के साथ, जब कॉन्सेप्ट और क्लियर. ट्रिक ये है कि ब्रेक एंड ब्रेक बोथ स्टार्ट विद ब्र, बी आर, बट द प्रॉब्लम पॉइंट इज ए के ई एंड ई ए के. अब ये एक राइम, छोटी सी राइम है, अगर आप उसको याद रखोगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं करोगे. देखो बी आर ए के ई, इसमें प्रॉब्लम पॉइंट क्या है, ब्रेक ए के ए ई लगाना कैसे है. देखो अगर फॉर फैमिलीज सेक यूज द ब्रेक, अब ब्रेक को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, सेक, मतलब कि प्लीज फैमिली की सेक के लिए, फैमिली की भलाई के लिए ब्रेक लगाया कीजिए. अप्रोप्रिएट टाइम पे, अप्रोप्रिएट जगह पे आप लोग ब्रेक लगाया कीजिए. तो इस तरीके से ब्रेक को हमने कनेक्ट कर दिया सेक, तो ए के ई, और हमको पता लग गया कि कौन सी ब्रेक की बात हो रही है. अब यहाँ ई ए के, प्रॉब्लम पॉइंट इसमें है ई ए के कब लगाएं. टेक अ ब्रेक टू रीड, आप रेस्ट ले लो, गिव मी अ ब्रेक, है ना, टेक अ ब्रेक टू रीड. तो रीड के साथ हमने इसको कनेक्ट किया, क्यों, क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं, चाहे पढ़ाई से ब्रेक ले रहे हैं, चाहे मदर मम्मी अगर घर में काम कर रही है वो किचन से ब्रेक ले रही है, या जैसे भी आप अगर थोड़ा रेस्ट लेना चाहते हैं तो रीड कीजिए, तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं. आर ई ए आता है तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी. एक और राइम समझ लीजिए, ब्रेक ब्रेड टू ईट. अब देखो ये तो हो गया टेकिंग अ ब्रेक, मतलब कि रेस्ट लेना थोड़ा. अब एक है कि तोड़ना, तो तोड़ना क्या है, जैसे कि ब्रेड के साथ कनेक्ट कर लो, हम ब्रेड को तोड़ रहे हैं, बी आर ई ए डी ब्रेड, और बी आर ई ए के ब्रेक. तो इस राइम के साथ आप कई तरीके के वर्ड्स, ये सारे ब्रेक ब्रेक किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है, ये सब आप समझ सकते हैं. अब है ये टेंथ है, होमोफोन्स जो लिया गया है उसका लास्ट पार्ट है पीस और पीस. अब कहाँ पे पी आई ई सी ई होता है, कहाँ पे पी ई ए सी ई, ये आप देख लीजिए. देखिए पीस एक नाउन होता है, पी ई ए सी ई, फ्रीडम फ्रॉम डिस्टर्बेंस, मतलब शांत, बिल्कुल शांति. आई एंजॉय पीस एंड क्वाइट, देख लिया, यहां पर देख रहे हैं ना, आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे. पीस एंड क्वाइट, शांत, मुझे शांति पसंद है. द कंट्रीज अचीव्ड पीस विदाउट वॉर. लेकिन अब जब पी आई ई सी ई की बात करते हैं तो वो आप कैसे याद रखोगे, ये देखो, ये जो पी आई ई वाला है, इट हैज द वर्ड पाई इन इट, है ना. तो पी आई ई, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक छोटा सा पीस है, तो उसमें देखिए पाई, उसमें स्पेलिंग अलग कर दीजिए, थिंक ऑफ अ पीस ऑफ पाई टू हेल्प यू रिमेम्बर द स्पेलिंग. तो पीस में पाई, पी आई ई पाई की स्पेलिंग होती है और पी आई ई सी ई पीस की स्पेलिंग होती है. तो ये कनेक्शन से आप इसमें कभी मिस्टेक नहीं करोगे. और जो पी ई ए सी ई होता है, जो कहते हैं शांत, शांति,
उसको आप कैसे याद कर सकते हो? PEACE, पीस एंड्स ऑल कॉन्फ्लिक्ट विद एनिमीज। ठीक है, तो ये वाला अगर फ्रेज याद कर लोगे तो इससे पता लग जाएगा कि पीस की स्पेलिंग है ये वाली, पीस एंड्स ऑल कॉन्फ्लिक्ट विद एनिमीज। ये फ्रेज याद रखने से आपको याद हो जाएगा पीस, और दूसरा पीस PIECE, जिसमें कि पाए के साथ कनेक्ट कर दिया है, तो पीस ऑफ पाए है ना, तो उससे इसका मतलब है एक पोर्शन, छोटा सा हिस्सा। ठीक है, द टॉय ब्रोक इंटू पीसेस, पीसेस मतलब छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक हो गया। लेकिन अगर हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो होता है टू असेंबल समथिंग, आई ट्राई टू पीस टूगेदर द ब्रोकन टॉय, मतलब छोटे छोटे टुकड़े उठाकर मैं उसको जुड़ाने लग गया। तो अगर नाउन की तरह यूज होता है तो कैसे यूज करेंगे, वर्ब की तरह यूज होता है तो कैसे यूज करेंगे, ये सब आप इस एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। और इस ट्रिक के साथ आप स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करेंगे दोनों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने कुछ सीखा है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, प्लीज बिना लाइक किए बिना मत जाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस यू कैन फाइंड ओवर हियर। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इससे कुछ सीखने को मिले। थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग।